बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौजूदात आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, अफगानिस्तान की जो तवील जंग है वो ख़त्म करने का वक्त आ गया, ये कहना है अमरीकी सदर का। जी, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा अचानक काबुल पहुँचे हैं, अमन में पाकिस्तान किरदार का एतराफ़ किया है, फ़ौजी इनकला से भारत परेशान है, चौधरी को ख़तरा है, मसले का फ़ौजी हल नहीं, फ्रेकन का इतफाक़। जी तो शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, आपको खुश आमदेद कहते हैं। अब ये जो बात जो बाइडन कह रहे हैं और जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा अचानक काबुल पहुँचे हैं और अमन में पाकिस्तान किरदार का एतराफ़ किया है, इस पर तबसरा फरमाइए। दरअसल पाकिस्तान जो है वो एक पुरमन अफगानिस्तान से आता है और जी जितने भी अमेरिकन समरसॉल्ट अभी हुए हैं उसके दरमियान जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान का वो है कि अमेरिका जरूर विड्रा करे अफगानिस्तान से, लेकिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेवारी से विड्रॉल हो ताकि वहाँ का जो सिचुएशन है वो बिगड़े नहीं, वहाँ पर सिविल वार की सूरत हाल पैदा ना हो। तो एक एग्रीमेंट उन्होंने किया था जिसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था और उसके मुताबिक फर्स्ट मई तक उसको जाना चाहिए था। उसके ऊपर बाइडन साहब ने एक बड़ा कंप्रिहेंसिव किस्म का सोल्यूशन ले आए और कहा कि ये और ये जो है विड्रॉल जो है वो नहीं होगा फर्स्ट मई को, और अभी सडनली उन्होंने कहा कि 3-4 महीने के बाद जो है विड्रॉल शुरू होगा, विड्रॉल होगा। तो मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में चांस ये है कि अफगानिस्तान में दोबारा वो सिविल वार की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, क्योंकि 3-4 महीने में वो जो बेसिक फ्रेम वर्क है जो वर्कआउट करना था, जो कि उसके बाद उनके जाने के बाद अफगानिस्तान के अदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, वो न बन सका है न बन सकेगा। तो एक तशवीश की सूरत हाल पैदा हो गई है और अमेरिकन जो है कभी नेटो की तरफ भी गए हैं, अभी यहाँ पर भी पहुंचे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सूरत हाल को संभाला की जा सके। जो नेटो में बातचीत हुई थी वहां पर उन्होंने कहा कि असल में लोगों ने कहा कि जब आपने विड्राई करना है 3-4 महीने के बाद तो अभी क्यों नहीं करते, मैं को क्या प्रॉब्लम है, तो और किस 3-4 महीने में आप कुछ कर नहीं सकेंगे। तो मेरे ख्याल में उन्होंने वहां से कहा है कि नेटो में कि विड्रॉल अभी शुरू हो जाएगा और हमने कहा कि कंप्लीट तब होगा, और ये एक बात है कि अभी शायद तालिबान को समझाने वाली पाकिस्तान भी कोशिश करेगा और वो भी कि तकरीबन उस डेट में थोड़ी सी एक्सटेंशन वो मांगते हैं, लेकिन जो सूरत हाल है अफगानिस्तान में उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकेगी और मैं समझता हूँ कि एक तशवीश सी हो गई है। वो क्यों चाहते हैं कि विड्रॉल नवंबर में हो, इसके ऊपर भी लोग कह रहे हैं कि असल में सितंबर की बात कर रहे हैं, सितंबर की आपने बहुत से फ्रंट ओपन कर दिए हैं वहां पर, यूक्रेन में बॉर्डर के ऊपर कुछ फौजें इकट्ठी की है रशिया के खिलाफ, और इधर इंडिया को तबकी दे रहे हैं चाइना के खिलाफ, और अब अपने जो उनके बॉम्बर है वो डिगो गार्शिया में उन्होंने शिफ्ट कर दिए है। तो मेरे ख्याल में क्या अमेरिका जो है वो चाइना और रशिया का इकट्ठे अगर वो दोनों हो जाए मुकाबला कर सकता है, या ये ओपन वार की तरफ जाना जो है ये कोई सही फैसला है? मेरे ख्याल में अमेरिकन लीडरशिप को खासकर जो बाइडन साहब को सोचना होगा और इतने ज्यादा फ्रंट नहीं, वो तो ये चाहते होंगे ना कि सिविल वार हो और वो ये बिजी रहें और हम अपना काम करते रहें। यस, मतलब एक तो सोच यही है कि जी अमेरिका इतने साल 20 साल तकरीबन अफगानिस्तान में रहा है और वो फेल हुआ है, अभी ये जो सडनली कह रहे हैं कि विड्रॉल करेंगे तो इनसे वही सिचुएशन बनेगी जो वियतनाम में थी, जिसको प्रेसिपिटेट विड्रॉल कहते हैं,
विड्रॉल एक प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वॉर है और उसको उस तरीके से करना चाहिए और इसमें पाकिस्तान हेल्प करने को तैयार है। लेकिन एक तो बात यह है कि तालिबान इस पर राजी होंगे? मेरे ख्याल में अभी तक तो पता नहीं है, लेकिन कल जो नेटो में अनाउंसमेंट हुई है कि जी तकरीबन विड्रॉल उसी तारीख से है, ये जो है मतलब है कि नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा। मेरे ख्याल में इसके ऊपर तालिबान से बात की जा सकती है। अच्छा जी, अब एक बात ये है कि पाकिस्तान को एक बहुत नीचे लेवल पे ले आए हैं। एक तो ये है कि अमरीकी नाज़िम-उल-उमूर ने बात की है, कोई बड़ा यानी अफसर नहीं आया है, वज़ीर ख़ारिजा नहीं आया है, उन्होंने पाकिस्तान को क्या राइट ऑफ कर दिया है? दरअसल पाकिस्तान अमेरिका के लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट है या नहीं है, हमने जो चाइनीज कैंप है उसको ज्वाइन किया हुआ है। ये सीपैक जो है ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मतलब रोडें बनी हुई है और पोर्ट बना हुआ है, हम साथी चेंज नहीं कर सकते, तो वो हमें इसके बदले में जो भी सजा देना क्या है हम तैयार हैं, लेकिन हमने अपना कैंप सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, तो अब ये जो जो मामला है, एक तरफ तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें लेट डाउन कर रहे हैं, और फिर क्या करेंगे ये हमसे रास्ता? अब ये कहा जा रहा है कि जो इक्विपमेंट है वहाँ पर, जो बहुत कीमती इक्विपमेंट है, उसको कैसे निकालें, तो वो निकालने के लिए क्या पाकिस्तान की सड़कें इस्तेमाल करेंगे? मेरे ख्याल में विड्रॉल के लिए अगर वो अपना इक्विपमेंट यहाँ से निकालते हैं तो गवर्नमेंट सोच सकती है और वो कुछ इक्विपमेंट पाकिस्तान को दे सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट है वो पाकिस्तान को दे सकते हैं। मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं मोल सकते, नहीं ले सकते। तो अब ये फरीकैन का जो सवाल है कि मसले का फौजी हल नहीं है, इसमें तालिबान और अमेरिका का और नेटो दोनों आ जाते हैं? जी बिल्कुल, इसका मसले का हल नहीं है। एक एक नोट वहाँ पर लिखा गया है जो बड़े सोच समझ से लिखा गया है और अमेरिकन कांग्रेस को पेश किया गया है, अभी वो उठ गया है। उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो अफगानिस्तान के मसले को हल कर सकता है या हल करने में मदद दे सकता है। लेकिन अशरफ गनी का तो ये कहना है कि वो जो है अपने आप को संभाल सकते हैं, उनके पास इतनी अफवाज मौजूद हैं कि वो इनसे तालिबान से मुकाबला कर सकती हैं, जो कि गलत ख्याल है मेरे ख्याल में। नहीं, तालिबान से मुकाबला ना अमेरिकन कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं, ना हम उस तरह का सोच रखते हैं। हम इस तरह का सोच तो बिल्कुल दूसरों को भी ये एडवाइस करते हैं कि अफगानिस्तान में जाना वो कोई अच्छी बात नहीं है। और इंडिया का आना? जी इंडिया जो है उसका एक नेगेटिव रोल था और मेरे ख्याल में वो रोल खत्म कर दिया गया है। और वो उनका जो बिपिन रावत का कहना है कि साहब हमारे हमने 3 बिलियन तो उनकी पार्लियामेंट पे खर्च किए हैं, उनकी सड़कें बनाई हैं, उनका हमने वो बनाया है, क्या नाम है, बिजली घर बनाए हैं, तो अब वो कहते हैं कि हमारा इसमें कोई किरदार ही नहीं है। फिर दरअसल इंडिया समझ नहीं सकता है, ये तो उनसे तो बहुत ज़्यादा पैसे अमेरिकन ने खर्च किए हैं, ट्रिलियन डॉलर उन्होंने खर्च किए हैं, तो वो क्या अभी लोगों से मांगता फिर है कि ये मैंने खर्च किए हैं? जो भी अफगानिस्तान में जाता है वो अपने फिंगर्स को जलाएगा। रूस ये कर चुका है, अमेरिका ये कर चुका है, और हम तो एक तरीके से सोच रहे थे कि अच्छा होगा इंडिया भी इधर आ जाए ताकि उसको पता चले। हमें तो खैर हम तो खुश थे कि इधर भी आ जाए तो अच्छा है। हाँ, लेकिन अच्छा हुआ कि जो वर्स्ट केस सिनेरियो था इंडिया के लिए वो अभी मैच्योर हो रहा है और जिसमें उसको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, उन्होंने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की है, मामूली की है, और अमेरिकन एक तरीके से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये कहते रहे कि हम यहाँ से चले जाए और आप आ जाए, लेकिन इंडिया होशियार है, उन्होंने ये गलती नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, आपका हम मशकूर हैं कि आपने वक्त नियाज़ फरमाया। मेरे साहब वो जो
अफगान अशरफ गनी भी फिक्रमंद हैं और इंडिया भी फिक्रमंद है कि अगर ये तालिबान और पाकिस्तान का इत्तेहाद मजबूत होता है तो वो तो कश्मीर से भी वो खौफज़दा है कि वहाँ तक मामला जाएगा अफगान, मुझे बताइए ना। अब ये अकल तो है ही नहीं इन लोगों को, ये तो अपना अपना पगड़ छोड़ता है ना, अपना स्टाइल छोड़ेगा, वो पतलून पहन के जाएगा वहाँ पर लड़ने के लिए। अच्छा नहीं, और ये खुद जो तालिबान से मिलकर साजिश करें वो ठीक है, वो ठीक है। अच्छा यहाँ तो साजिश नहीं है, अमन की बात हो रही है, इस पर एतराज़ हो रहा है। लेकिन मेरे साहब अगर अफगानिस्तान चली गई अमरीकी अफवाज पूरी तो अफगान हुकूमत खतरे में तो पड़ेगी ना भैया। हुकूमत तो खतरे में है ना, उसमें उन्होंने आज फिर 24 आदमी मार दिए उनके जी, जहाँ तो वो उनके अफवाज को तो इतनी ताकत ही नहीं है कि वो उनको लड़ सके। लेकिन अब वो कहते हैं कि हमारे में बहुत ताकत आ गई है, तो आजमा लें फिर तालिबान से। जब अमरीका नहीं लड़ सका तो जी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर अगले मौजू पे चलेंगे जी। नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फा के बाद दोबारा आते हैं। मैं खुश आमदीद कहते हैं मेरे साहब, पाकिस्तान की अशराफिया से मुतालिक आलमी इदारे की रिपोर्ट सामने रिपोर्ट है, और ये बात मैं पहले कह रहा हूँ कि ये अंग्रेज की हुकूमत ख़त्म नहीं हुई है जी, ये काले अंग्रेज आ गए हैं और उन्होंने लूटमार शुरू कर रखी है। तो अब ये है कि अब तो ये UNDP ने भी रिपोर्ट दे दी है कि अशराफिया पाकिस्तान को खा गई है। पाकिस्तान की मईशत के 26 खरब 60 अरब रुपये जो 17.5 अरब डॉलर होते हैं जी, अशराफिया की मराद पर खर्च होते हैं, और उनका कॉरपोरेट सेक्टर जागीरदारों से तबका और एस्टेब्लिशमेंट समेत पाकिस्तान अशराफिया को दी जाने वाली माशी मराद मुल्की मीशत का 6% है। ये 6% अलतालीम पर खर्च होने चाहिए थे जो जो दुनिया भर में होते हैं, जो तकरीबन 17.4 अरब डॉलर है जो पाकिस्तान के खरबों रुपये में बनते हैं जी। मराद से ज़्यादा फ़ायदा कॉरपोरेट सेक्टर उठाता है। एक तखमीने के मुताबिक 7 खरब 18 अरब रुपए उनकी मराद हैं, और दूसरे और तीसरे नंबर मराद हासिल करने वाला एक फ़ीसद अमीर तरीन तबका है जी, जो मुल्क की मजमूनी आमदनी का 9% का मालिक है। जागीरदार और बड़े ज़मींदार जो हैं, जो आबादी का 1.1% हैं वो पर मुश्तमिल है, लेकिन उनकी 22% काबिल काज ज़मीन के मालिक हैं, और पाकिस्तान के पार्लियामेंट दोनों तबकों की मजबूत नुमाइंदगी है। जो मराद की फरहमी के ज़िम्मेदार थे वही मराद वसूल कर रहे हैं। बेशतर बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार जागीरदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ये काम जो है, नेहरू ने एक दफ़ा ये बात कही थी कि पाकिस्तान में जागीरदार निज़ाम चाहते हैं, हम जागीरदार निज़ाम ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये बात नेहरू की दुरुस्त थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू था इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, जो उसने एक इंटरव्यू दिया है किसी गैर मुल्की को, तो उसने ये कहा कि ये पाकिस्तान में जागीरदार निज़ाम चाहते थे, हम जागीरदार निज़ाम नहीं चाहते, इसलिए हमने उनको अलग कर दिया। तो अब जो भी वो बात करें, लेकिन खैर ये कोशिश तो हमारी अपनी थी। तो मुल्क के गरीब तरीन अवाम 1% की आमदनी का सिर्फ 0.1% है। मजमूरी तौर पर 20% अमीर तरीन लोगों के पास कौमी आमदनी का 49.6% जाता है सर जी, जो जो कौमी आमदनी का। अच्छा, जो इसमें कोई भी मुबर्रा नहीं है, सब हाँ, इसमें उसमें गंगा में मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि वही बेटे वो चले जाते हैं फिर ब्यूरोक्रेसी में जी, वही चले जाते हैं दूसरी ब्यूरोक्रेसी में जी, और वही चले जाते हैं हुक्मरान बन जाते हैं, और तीसरी भी ब्यूरोक्रेसी है, नाम नहीं ले रहे हम, लेकिन तीसरी भी है। हाँ नहीं, वो बने दूसरी कह दी ना जी। तो मुतसवत आदमी के अफराद 2009 से अब तक की आबादी 40% से कम होकर 2019 में 36% रह गई है, यानी जो मिडिल क्लास जो लोग हैं जी, जो दुनिया जो रीढ़ की हड्डी होती है किसी कौम की, वो घट रही है। तो तब्दीली सरकार की हुकूमत है और ऐसे मौके पर रिपोर्ट आई है, तो उनका तो फ़र्ज़ बनता है कि इस पर काम करें। नहीं, तब्दीली सरकार का सद्भाव करें। देखिए, तब्दीली सरकार का तो कुछ समझ में उनको आ नहीं रही है। अभी उन्होंने अपना वज़ीर शौकत तरीन को बनाया है, वज़ीर ख़ज़ाना जी जी। तो अब अच्छा, वो वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं। अब वो वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी जो रोहित हिलाल कमेटी के गैर एलानिया वो सरबरा भी होते थे। बहरहाल भाई देखो भाई, बात यह है जैन उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है फवाद चौधरी ने, लेकिन दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अब तो नहीं कर रहा ना, जब से बाजवा साहब ने उस पर पहले से इतराज किया था, पहले से रोहित लाल कमेटी का उन्होंने रोहित का ऐलान पहले से कर दिया था। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो बात भी आप हो, लेकिन आप भी फवाद चौधरी ने सीखा बहुत है जी। आप उसको कई दफ़ा, क्योंकि उसको जब कई तरह झटके मिले हैं,
और जनरल जो कमर बाजवा ने उसको एक दफ़ा कहा था जी, तो उसके बाद से वो बहुत धीमा पड़ा है। और इस वक्त जो है वो मीडिया में किसी वोकल आदमी की ज़रूरत है जी, वो फराज की ज़रूरत नहीं, वजारत इत्तला ठीक है जी, उनके लिए जी। लेकिन वो जो आप कह रहे थे कि वजीर ख़जाना, तो हुकूमत अभी तक यही डिसाइड नहीं कर सकी कि भाई कौन सी टीम बनेगी भाई। बात यह है कि ये काम पहले दिन हो जाना चाहिए था, और वो काम अभी तक उसने जो आदमी रखे हुए हैं, अब जो आप बता रहे हैं तादाद उनकी, शौकत को वजीर खाना और रेवेन्यू को रमदान दिया है, जबकि हमाज अजहर को तवानाई की दे दी है, उमर अयूब को इकोनॉमिक अफेयर दिया है जी, खुसरो बख्तियार को सनअत पैदावार का देने का फैसला किया है, और फवाद चौधरी को इतलात और शिबली फराज को साइंस और टेक्नोलॉजी कर जी। तो अब ये कोई तब्दीली नहीं की है, सिर्फ ये है कि रद्द बदल किया है बस, और कोई। लेकिन अब शौकत तरीन साहब के लिए एक चैलेंज है कि वो कैसे, शौकत तरीन बहरहाल उसने बड़ी सख्त जबान बोल के आया है, और उस पर जब बड़ी तनकीद भी हुई है जी, लेकिन ये है कि वो बात जो कर रहा है वो सही कर रहा है, उसको मालूम है शौकत तरीन से हमें वाकिफ है। और जब तक एग्रीकल्चर पर तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड हमारी सनत है, से आप रिलेटेड सारी सनत है, हम उस पर तवज्जो नहीं देंगे, चूँकि हमारी गंदम की पैदावार भी अभी इम्कान से जो हमने तखमीन लगाया था उससे कम होने की उम्मीद है, शुगर पहले ही कम थी, कपास पहले ही कम थी, अब आगे देखें क्या होता है। भाई शुगर अच्छा, में देखिए कमी नहीं थी, इन्होंने बदमाशी की है, पहले उसको जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया, और फिर उसके बाद में कमी पैदा कर और सब्सिडी भी ले ली, और आवाम से पैसे भी निकलवा लिए दुगने। और शाफिया में शामिल है ना, जो जाहिर है, जो देखे सियासत पे जो पैसा खर्च करता है वो सवाब के लिए नहीं कर रहा है, खुद वजीर आजम का फरमान है। बात नहीं है सवाब की, बात ही नहीं है, लेकिन बात यह है कि आवाम का कोई आदमी था, एक एम क्यू बनी थी जी, वो फिर जो गैरों की निकली, वो जो गरीब तबके से बनी थी, बदकिस्मती है कि उन्होंने माफिया की शक्ल इख्तियार कर ली, बस ये एक मसला हो गया। अच्छा मेरे साहब, ये शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहेंगे, वो बेचारे की रिहाई हो रही थी, जमानत फिर वो पेंडिंग में मामला चला गया। नहीं, उसकी राय जो है वो देखो भाई, शहबाज शरीफ कोई गंगा नहाया हुआ नहीं है जी, शहबाज शरीफ पर इतने ज़्यादा इल्जाम हैं कि आप ये देखें कि जो 30 साल हुक्मरानी करता रहा हो और वो उसने कितना पैसा बनाया होगा। अब सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि ये मसला आ गया है कि जो फैसला करना है, ये इस वक्त जो है जिस अंदाज से जो है चाइना ने किया है कि जो भी आदमी करप्शन में पाया जाए उसको मार दिया जाता, तो वो आपके पास कानून नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाए तो ये जो 26 खरब और 60 अरब तकरीबन जो खर्च हो रहे हैं ना, ये बच जाएंगे। नहीं कर सकते ना, आपका निज़ाम ऐसा है, वो आपको रिलीफ दे रहा है, बाकायदा आपका अदलिया का जो निज़ाम है जी, वो हर बार इनको रिलीफ दे देता है। अब बताओ, ये भी कोई बात है कि वो कहा कि साहब मरियम नवाज को 10 दिन पहले बताया जाए गिरफ्तारी का, ये कोई बात है? शहजादी है, बताइए, मलका आलिया प्रोटोकॉल के हिसाब से बताइए। तो ये अब देखे ना, अदल का ये अदलिया का ये निज़ाम, ये हिसाब किताब है, तो बाकी का क्या होगा। अच्छा फिर एक और मसला भी है मेरे साहब, हुकूमत जो है सारा मलबा अदलिया पर डाल देती है, लेकिन वो जो तहकीकती रिपोर्ट है वो ऐसी दी नहीं जाती कि जहाँ पे सॉलिड प्रूफ हो, अदालत भी कार्रवाई करे कि बस वो आदमी। देखिए तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनकी बनाई हुई, 30 साल से ब्यूरोक्रेसी चल रही है, ये मैनेज नहीं कर सका उसको। अब मसला ये है कि मैनेज करने के लिए एक कुछ जहन चाहिए, बिल्कुल, और वो जहन मिला है इनको, वो जो यहाँ का एक शहबाज गिल जहन है, शहबाज गिल जहन है, नहीं शहबाज नहीं, वो जो शहजाद अकबर जहन है। तो भाई आप ये जो हमारा दोस्त फिरदौस शमी नकवी साहब की बात कर रहे हैं, फैसल वाडा साहब की बात कर रहे हैं, अली जैदी साहब की बात कर रहे हैं, नहीं जो IBA का जो रेक्टर था, अच्छा इरशाद हुसैन साहब की बात, हाँ इरशाद हुसैन जी, तो बहरहाल ऐसे नहीं है, ऐसे तो दाऊद साहब भी एक 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 इदारे से आया है, स्टेट बैंक से आया, उसे क्या पता कि किस तरह से निज़ाम चलता है, कैसे मालूम कि आवाम के धक्के तो नहीं खाए ना उसने ज़िंदगी में। आवाम तो पिस रहे हैं, खुसूसन रमज़ान जो शुरू हुआ तो वो और सत्यानाश हुआ, तो कोई निज़ाम ही नहीं है। अच्छा, में मुझे फिर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो एक बहुत अफसोसनाक खबर है, फिर उससे बात करेंगे। नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बड़े अफसोसनाक खबर है कि मारूफ आलम दीन सैयद मोहम्मद नकवी इंतकाल कर गए हैं। सैयद मोहम्मद नकवी साहब वो मारूफ आलम दीन थे और 56 साल की उनकी उम्र थी, खैरपुर मीरत से उनका ताल्लुक़ था।
आपने बड़ी खदमात अंजाम दी हैं और बड़े खुश अखलाक और मुहिब वतन और इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन के बड़े दाई थे। मैं ख़ुद उनसे मिला हूँ और मैं उनसे बड़ा मुतासर हो गया था। और जो मारूफ आलिम दीन हैं शहंशाह नकवी, उनके बड़े भाई थे। और इस लिहाज से देखा जाए, जब उनके मैंने उनसे कुछ गुजारिशात की तो उन्होंने उसको खुशदिली से सुना और उसके जवाब में मुझ पर मेहरबानी फरमाई और मुझे कुछ ना कुछ उन्होंने जो मुझे बताना था उन्हें मुझे हिदायत देनी थी वो हिदायत उन्होंने मुझे दी। तो मैं समझता हूँ कि वो एक बड़े अजीम शख्सियत थे और कराची के अंदर जितना कराची ही नहीं बल्कि पूरे बरसग़ीर में और पूरे दुनिया भर में वो अपने जाते थे दर्स देने के लिए। और नौजवानी में जब वो कराची में मुंतकिल हो गए थे तो यहाँ पर तालीम की बाद मजालिस भी पढ़नी शुरू कर दी। आप मारूफ ख़तीब के साथ साथ 10 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ भी थे। आपने दो बेटों और 3 बेटियों को सोगवार छोड़ा है और साथ साथ में इनके 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं, वालिद और वालदा हयात हैं। लेकिन क्योंकि वो मुसलसल दौरे करते रहते थे तो वो लाहौर से शायद उनको कोरोना लग गया तो वो इसके बाद में इंतकाल कर गए, जिसका हमें दिली दुख है। और मैं ज़ाती तौर पर उनका क्योंकि ममनून हूँ तो मैं ज़ाती तौर से उनका मैं दुख का इजहार करता हूँ उनके ख़ानदान से, शहनशाह हुसैन नकवी साहब से और उनके वालिद साहब से, उनकी वालदा से, आबिद हातिब अलवली और वो बड़े वो सोसखाएँ बड़े बुज़ुर्ग और हातिब अलवली साहब जी और तीनों भाइयों को और तीनों बहनों को और वालिद और वालदा दो सबके साथ में हम ताज़ियत करते हैं सच टीवी की तरफ से, हमारे चेयरमैन अल्लामा इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब की तरफ से और हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से हम उनकी ताज़ियत करते हैं। सच टीवी में भी बहुत वो प्रोग्राम में शरीक हुआ बहुत शरीक होते थे जी और उनके और वो और बग़ैर उसी उसके शर्त के आ जाते थे कि साहब मुझे हाजिर लगानी है सच टीवी पर, वो कहते थे ये जिम्मेदारी है मेरी, ये जिम्मेदारी है। और वो इस लिहाज से हम उनके इंतहाई ममनून हैं कि वो ममनून हैं कि वो उन्होंने ये वक्त देते रहे हमें। और वैसे ज़ाती तौर पर भी मैं क्योंकि उनसे मिला हूँ और उनके पास मैंने जिस तरह की शफ़क़त उनमें देखी है, जो तहम्मुल उन मैंने देखा है उनमें, वो जो उलमाए इकराम में होता है वो उनमें मौजूद था और जो नेक लोगों में मौजूद होता है वो मौजूद था। किसी बात को मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने उसका मना किया कि ये काम आप नहीं कर सकते, और किसी बात का फिर उन्होंने फिर उसका हल भी बताया कि ये आप कर लें। तो मैं इंतहाई उनका ममनून भी हूँ अल्लाह ताला, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दे और अल्लाह ताला उनको उनकी जो है दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके तमाम जो उनके अहल खाना हैं, उनके रफ़ीक हैं और उनके जो हल्का अहबाब है सारी दुनिया में फैला हुआ है, उनसे मैं उनको सब्र जमील की दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। और साथ साथ में जो हमारे सच टीवी कराची खसूसन उनका ममनून है कि वो यहाँ हमारे प्रोग्रामों में आते थे और इसमें उनकी शमूलियत जो है हमारे लिए बायस फ़ख्र थी। तो इल्मी अंदाज बड़ी उनकी 10 किताबें हैं उनकी बड़ी, उन्होंने 2 किताबें मुझे भी इनायत फरमाई जी, तो 10 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ भी थे। और एक और उनका हवाला ये था कि वो हज उमरा के जो काफला हज उमरा के काफले को वो बड़ा मुनज़्ज़म अंदाज से जी जी, और आपने सुल्तानुल मदारिस से तालीम हासिल की। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ी शख्सियत का हमसे जुदा हो गए हैं जी, जो कि एक आलमी शहरत की मालिक थी और एक दुनिया को फैज़ पहुँचाती थी, बिल्कुल इंसानियत को फैज़ पहुँचाती थी और लोगों की हर वक्त खिदमत। जब मैंने उनसे पूछा तो ऊपर के जो मकान उन्होंने लिया उनका उन्होंने कहानी सुनाई, वो ऐसी कहानी थी जैसे कि ऐसा मालूम होता था जैसे कि कोई देवमालाई कहानी है या किसी बुजुर्ग की कहानी है उनकी, जिसके हर सारा रास्ता साफ होता चला गया मकान लेने का जी जी। और फिर हमने पूछा कि नीचे वाले हिस्से में आप क्यों नहीं रहते, तो कहा नीचे हिस्से में सारे लोग मेहमान आते हैं, अभी भी 2-4 मेहमान जो है खैरपुर से और दूसरे इलाकों से आए हुए हैं तो वो वहाँ रहते थे। तो मैं इस लिहाज से हम दुखी भी हैं और साथ साथ में और शहनशाह नकवी साहब के साथ में खुसूसन ताज़ियत भी करते हैं जी, और हमारे चेयरमैन के साथ चेयरमैन इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब की तरफ से भी बहुत ताज़ियत करते हैं जी। बिल्कुल प्रोग्राम का वो ख़त्म हुआ जी, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।